हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। स्पेशल डिश बाय सारिका के चैनल पर आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। तो मैं आज आपके साथ एक ऑथेंटिक रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो इस रेसिपी का नाम है खरवस, और कुछ लोग इसे जुन्नू भी कहते हैं। खरवस एक तरह की हल्की मिठाई है। तो खरवस के मैं लड्डू भी बनाने वाली हूँ और बर्फी भी बनाने वाली हूँ, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, आपको फुल प्रोसीजर पता चलेगा। खरवस एक तरह की हल्की मिठाई है जो कि गाय की डिलीवरी के बाद पहले 3 दिनों में जो दूध आता है उससे बनती है। ये बहुत ही सॉफ्ट और टेस्टी बनती है। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही नए नए रेसिपीज के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। तो चलिए आज की बढ़िया रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। खरवस के बर्फी बनाने के लिए मैंने यहाँ लिया है गाय का पहले दिन का दूध, इसे आप खीस का दूध भी बोल सकते हैं। तो यहाँ मैंने लिया है 1 लीटर खीस का दूध। ये गाय का दूध है इसलिए थोड़ा येलो कलर है। तो गैस पर हम एक इडली स्टैंड रखेंगे। इडली स्टैंड के बजाय आप कोई भी भगोना भी रख सकते हैं, उसके नीचे पानी डालिए। आप जिस भी बर्तन में दूध डाले हैं वो बर्तन रखिए और ऊपर से ढक करके 15 मिनट के लिए पकाए। तो मैंने यहाँ इडली स्टैंड रखा है, तो उसमें मैंने ऑलरेडी जो है पानी गर्म करने के लिए रखा था। तो पानी हमारा गर्म हो चुका है, तो इसमें हम रखेंगे एक खीस के दूध का भगोना। इसमें रखेंगे, इसे 10 मिनट पकाने के लिए छोड़ देना है। मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ दूध पकाने के लिए रख रही हूँ। अगर आपको खरवस के सॉफ्ट बर्फी चाहिए तो इसमें थोड़ा 1 कप नॉर्मल दूध ऐड कीजिए, और गुड़ या चीनी आपको जो पसंद है वो डाल सकते हैं, और थोड़ा इलायची पाउडर डाल के इसे पकाना है। पकाने के बाद खरवस के बर्फी को स्क्वायर शेप में काट के आप खा सकते हैं, वैसे भी बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन मैं आज कुछ अलग बर्फी बनाने वाली हूँ। तो चलिए आप देखते हैं दूध पक चुका है कि नहीं। इस तरह से एक टूथपिक डालकर देखिए, एक टूथपिक लेकर इसके बीच में ऐसे डालना है और देखना है कि ये पक चुका है कि नहीं। टूथपिक जो है हमारा क्लीन आ चुका है, इसका मतलब है खरवस जो है हमारा पक चुका है। इसे साइड से ऐसे थोड़ा लूज करना है, और इसमें से एक पीस मैं निकालूंगी। इसे ऐसे कद्दूकस करना है, सारे पीसेस को इसी तरह से कद्दूकस करके लेना है। बहुत ही इजीली कद्दूकस कर सकते हैं आप। कद्दूकस करने के बाद एकदम चीज की तरह दिखता है, आप देख सकते हैं, दिख रहा है ना चीज की तरह। तो सारे पीसेस को मैंने कद्दूकस कर लिया है। अब गैस पर हम एक पैन रखेंगे और उसमें कद्दूकस किया हुआ खरवस डालेंगे। यहाँ मैंने इसको नाप के डाला है, बड़े कप से 3 कप खरवस मैंने इसमें डाला है। तो उसी कप से आपको 2 कप चीनी डालना है। अब अगर आपको ज्यादा स्वीट पसंद है तो आप 3 कप भी डाल सकते हैं, जितना खरवस है उतना आप चीनी भी डाल सकते हैं। लेकिन मैं थोड़ा स्वीट कम कर रही हूँ, मतलब मीडियम स्वीट बना रही हूँ, इसलिए मैंने 3 कप खरवस के लिए 2 कप चीनी डाला है। अगर आपको ज्यादा मीठा पसंद है तो आप बराबर मात्रा में भी ले सकते हैं। पानी या दूध बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है, तो इसे लगातार चलाते रहना है। लगातार चलाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि खरवस जो है नीचे से जल ना जाए, इसका आपको ध्यान रखना है। इसे 20 मिनट के लिए ऐसे ही लगातार चलाते रहना है। शुगर जो है फुल्ली अब्जॉर्ब होना चाहिए इसमें, जैसे हम नारियल की बर्फी बनाते हैं ना, वैसे ही बनाना है। आप देख सकते हैं शुगर जो है धीरे धीरे खरवस में अब्जॉर्ब हो रहा है। इसमें जो शुगर की चटनी दिख रही है ना, ये पूरा अब्जॉर्ब होना चाहिए। पूरा चीनी जो है इसमें अब्जॉर्ब हो चुका है, पूरा मतलब थोड़ा सा मॉइस्चर रहना चाहिए। अगर पूरा ही अब्जॉर्ब होगा तो उसके बर्फी आप बना नहीं सकेंगे। थोड़ा सा मॉइस्चर रहना चाहिए, और नीचे मतलब जो चीनी का जो चाचनी रहती है ना, वो चाचनी दिखना नहीं चाहिए उतना ही, लेकिन जो खरवस जो है वो मॉइस्चर दिखना चाहिए। तो मैं एक फरात ले रही हूँ, या आप ये फरात लीजिए या प्लेट लीजिए। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा घी लगा रही हूँ। घी लगाने के बाद एक गरम खरवस जो है ना, हम इसके ऊपर डालेंगे और इस तरह से स्प्रेड करेंगे। स्प्रेड करने के बाद एक हम बाउल लेंगे, कोई भी स्पून लीजिए, उसकी हेल्प से आप इसे ऐसे ऐसे दबा लीजिए। ऐसे दबाना है, दबाने के बाद ये पूरा सेट हो जाएगा। इसे हम 2-3 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर बाद में हम थोड़ा सा मतलब ठंडा होने के बाद
इसके बर्फी जो है हम काट लेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ बर्फी एक काट कर। आप देख सकते हैं हमारी बर्फी जो है कितनी अच्छी तरह से बन चुकी है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगती है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिए, मुझे तो ये बर्फी बहुत ही पसंद है, तो आप भी बना कर देखिए। और मैंने जो खरवस मतलब बनाया था ना, उसका आधा पोर्शन मैंने साइड में रखा था, थोड़ा सा मैंने उसमें से साइड में रखा था लड्डू बनाने के लिए, तो वो भी थोड़ा ठंडा होने के बाद हम उसके लड्डू बनाएंगे। तो यहाँ देखिए हमारा जो खरवस है थोड़ा सा ठंडा हो चुका है, ज़्यादा भी ठंडा होना नहीं चाहिए, मतलब पूरा उसमें जो मॉइस्चर जो है थोड़ा सा रहना चाहिए। लड्डू बनाने के लिए मॉइस्चर तो थोड़ा सा चाहिए ही, तो थोड़ा सा मॉइस्चर रहता है ना तभी हम उसके लड्डू बनाएंगे। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से ये थोड़ा सूख चुका है, अब हम इसके इस तरह के लड्डू बनाएंगे। मैं इसे हाथ में ले रही हूँ और उंगली से ऐसे ऐसे दबा रही हूँ। ऐसे दबाने से आपके लड्डू जो है राउंड शेप में आते हैं। तो हम खरबस के लड्डू भी बना सकते हैं और बर्फी भी बना सकते हैं। लेकिन ये दोनों बर्फी और लड्डू खरवस से ही बने हैं, लेकिन थोड़ा सा टेस्ट जो है ना लड्डू और बर्फी का थोड़ा थोड़ा अलग ही रहता है। मुझे तो दोनों भी पसंद है। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय, फिर मिलते हैं ऐसे ही नए नए रेसिपीज के साथ।